हेलो फ्रेंड्स, माय टुडेज टॉपिक इज कोलोइड्स। इसके पहले मैंने दो वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है व्हाट इज अ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज अ सस्पेंशन। उसी के से मिलता जुलता ये पॉइंट है कोलोइड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, आप उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जैसे जैसे मैं वीडियोस डालती जाऊंगी आपके पास अपने आप आ जाएंगे। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए और कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप सेंड कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। हम अपने पॉइंट पे आते हैं। कोलोइड्स, कोलोइड्स होते हैं वो बीच के होते हैं, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। किसके बीच के? सो कोलोइड्स आर द पार्टिकल ऑफ कोलोइड्स आर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसके बीच के इंटरमीडिएट है? सो इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन प्लस सस्पेंशन। सॉल्यूशन का मतलब था एक ट्रू ट्रांसपेरेंट लिक्विड हमें मिलता था, सस्पेंशन का मतलब ये था कि हमें लिक्विड था उसमें सारे जो हम सॉल्यूट डालते थे वो उसी में रह जाता था, सॉल्यूबल नहीं होता था। बट जो कोलोइड्स होते हैं वो हमें लगते तो सॉल्यूशन जैसे हैं, मतलब जो एक तरह का प्रोडक्ट मिलता है कोलोइड्स का वो हमें दिखता तो सॉल्यूशन जैसा है पर होता वो सस्पेंशन है। मतलब क्या होता है उसको हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप समझ जाओगे। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब ना तो सॉल्यूशन के पार्टिकल जितने छोटे होते हैं और ना सस्पेंशन के पार्टिकल जितने बड़े होते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में होते हैं। ये भी समझ सकते हो आप कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 nm के होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो 100 nm से भी बड़े होते हैं, तो इन दोनों के बीच के होते हैं। 1 nm टू 100 nm के बीच की जो साइज होती है वो होते हैं कोलोइड्स। अब कोलोइड्स होते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आप कोलोइड देखेंगे तो आपको मिल्क है, मिल्क होता है उसको वाटर लिया उसमें आपने मिल्क डाल दिया, मिल्क प्लस वाटर। आपको कहीं भी पार्टिकल नहीं दिखेगा लेकिन वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर का। लेकिन आप इजीली देख नहीं सकते हो कि इसमें कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई घूमता हुआ ऐसा कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा, ना आपको खुली आंखों से दिखेगा ना ही माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है। वो कब दिखता है उसके लिए हम बताएंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट हम करें कि जिससे हमें पता चले कि ये है वो कोलोइड है, सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं। जैसे ही लाइट को पास किया, ये सॉल्यूशन तो ये सस्पेंशन नहीं है, वो तो हमें इसलिए पता चला कि पार्टिकल हमें दिख नहीं रहे, बट ये सॉल्यूशन है या नहीं? जैसे ही हमने लाइट को पास किया बीम ऑफ लाइट इसमें होती हुई बाहर निकलेगी, मतलब इसके अंदर भी ये लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे पार्टिकल्स। केवल स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम पता करते हैं कि ये जो है जो सॉल्यूशन है जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट आया है मिक्सिंग, किसकी मिक्सिंग से? मिल्क और वाटर की मिक्सिंग करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो कोलोइड है या नहीं है, किससे पता चला है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब कोलोइड्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम? ये टिंडल इफेक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब यही है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब अगेन रिपीट कर देती हूँ, जैसे ही हम लाइट के बीम को पास आउट करने की कोशिश करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में से और अगर वो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, इसका मतलब वो है कोलोइडल्स। क्योंकि हम सस्पेंशन तो इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स हम इजीली नहीं देख पा रहे हैं,
तो ये सॉल्यूशन भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट केवल ट्रांसपेरेंट नहीं है इस बात पे हम उसे सॉल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम उसमें से लाइट को पास करके देखेंगे, अगर लाइट है इसमें से होती हुई आपको दिख रही है मतलब लाइट को इसने अपने अंदर स्कैटर्ड कर दिया है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब अगर जब भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखता है, जो दिया हुआ प्रोडक्ट है या दिया हुआ सॉल्यूशन है वो आपका क्या होता है, कोलोइडल होता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन पार्टिकल के बीच में। आपका सॉल्यूशन की साइज, जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो 1 nm या उससे भी छोटी होती है, सस्पेंशन की 100 nm से बड़ी होती है। तो कोलोइडल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज इन दोनों के बीच में होती है। हमने एक एग्जांपल लिया मिल्क एंड वाटर का, तो मिल्क एंड वाटर का जब सॉल्यूशन बनाया, मिल्क की प्रोडक्ट है हमारे पास, अब हमें लगा ये तो सॉल्यूशन हो गया, नहीं इसमें से लाइट को पास करके देखना है। अगर लाइट स्कैटर्ड हो गई तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट केवल कोलोइडल पार्टिकल्स करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सस्पेंशन पार्टिकल भी करते हैं, लेकिन सस्पेंशन में तो हमें डायरेक्टली पता चलता है कि ये जो लिक्विड है वो सस्पेंशन है, बट कोलोइडल में हमें क्लियर नहीं होता है कि ये सॉल्यूशन है या कोलोइडल है, उस कंडीशन में हम टिंडल इफेक्ट को करा के देखते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, आप प्रॉपर्टीज इजीली बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये इंटरमीडिएट होते हैं, मैंने बता ही दिया है इसके बीच में इंटरमीडिएट होते हैं, सो सॉल्यूशन प्लस सस्पेंशन, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में। और क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये दिखते तो कैसे हैं, होमोजीनस, कैसे दिखते हैं, होमोजीनस, अपीयर टू बी, इसको लिखेंगे अपीयर टू बी, मतलब दिखते तो हमें होमोजीनस है, कैसे दिखते हैं, दिखते हमें सॉल्यूशन जैसे हैं, लेकिन होते क्या है, हेटेरोजीनस, बट एक्चुअली हेटेरोजीनस। थर्ड नंबर है पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज होती है 1 mm टू 100 nm के बीच में होती है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट को हम ये भी बोल सकते हैं शोइंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिफ्थ नंबर आप ये मान सकते हैं कि बाय माइक्रो वी कांट सी इन पार्टिकल थ्रू द माइक्रोस्कोप। सिक्स नंबर हम ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वी कांट सेपरेट आउट बाय द फिल्टर पेपर। मैंने पहले ही बताया ये दिखते कैसे हैं या होते कैसे हैं, सॉल्यूशन जैसे, बट मोस्टली ये एक्चुअली में ये एक तरह का सस्पेंशन है। अब इनको सस्पेंशन के उसमें इसलिए डाला गया है क्योंकि इसके पार्टिकल की साइज होती है उसी की वजह से, कि इसके पार्टिकल की साइज होती है वो 1 nm से 100 nm के बीच की होती है। और ये कैसे पता चलता है, तो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं। सो हम इसे माइक्रोस्कोप से बिल्कुल नहीं देख सकते या फिर कभी कभी देख सकते हैं, उसके अलावा फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट आउट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नहीं कर सकते हैं। इसके फिल्ट्रेशन के लिए हम एक न्यू प्रोसीजर को यूज़ करते हैं जिसे सेपरेशन मेथड में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसे हम बोलते हैं
उस पूरे मेथड को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड्स के थ्रू हम इजीली क्लियरली इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी दो ऑयल होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन दो ऑयल नहीं कहेंगे, वाटर में ऑयल को मिक्स कर दिया, तो इससे भी होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।